टिकट बाद अब छिनत्ते उतर और मनगमा के विधायक का आसियाना। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे तेउथर और मनगमा विधानसभा सीट के विधायक का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी दोनों विधायक टिकट कटने का गम भूले नहीं थे कि सचिवालय ने एक पत्र जारी कर जले में नमक छिड़कने का काम किया है। दरअसल पूरा मामला विधानसभा चुनाव सचिवालय द्वारा चुनाव परिणाम आने से पहले नए माननीय के आने की तैयारी से जुड़ा बताया जा रहा, जिसके तहत सचिवालय को शासकीय आवास सहित गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस को नए विधानसभा सदस्यों के लिए विधान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पत्र 20 नवंबर को जारी किया गया था, जिसमें से रीवा जिले के मनगवा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति और तेउथर विधानसभा सीट के विधायक रहे श्यामलाल द्विवेदी के सहित अन्य 32 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें निर्धारित तिथि से पूर्व शासकीय आवास में अपना बोरिया बिस्तर समेटना है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहे द खबर। और इस कारण से आप सब लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांस बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग सत्ता मंगवा ले, एक एक सर्वे मंगवा ले। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी बात कही थी, उनकी रिपोर्ट आप देख ले। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, उनकी भी मंगवाने और यहाँ हमारे साथ इस तरह की। गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से किया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाए। और आज तक पार्टी के सीएस का इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया इस तरह से है, हो गया भाई, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और चार दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए? और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे देके लेन देन करके टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फार्म मानने हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से। अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने, जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे वो दे सके। बिल्कुल उतरेंगे। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषिक जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये मानूंगा, क्योंकि प्रत्याशी जब तक सैंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक दिन पहले आपने गठी कराने बैठे थे जब टिकट की घोषणा हो रही थी, पहले उस दिन सारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।